एक एक्टर का अपना एक हंगर होता है, वो हमेशा अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल करना चाहता है। आई मीन एक्टर जो वेब सीरीज में अब अपने आप को इस तरीके के क्राफ्ट में डालना चाह रहा हूँ। मैंने इस शो में रौनित रॉय से बहुत एंथुसिज्म जो होता है एक एक वो बहुत गौरव किया है। अक्सर बहुत कम जगह मैंने देखा है कि बहुत एक्टर्स होते हैं जो अपनी वैनिटी में खा रहे हैं, पर हम लोग सब बैठ के खाना। मैं अपने किरदार को करता हूँ और मैं अपने जैसी ऑडियंस तक पहुंचा। आपके पुलिस स्टेशन पर मनी रनआउट का झंडा लहरा रहा है। I am proud of it. Masaan is just a scary story for the villagers, nothing else. वोट लेकर आ रहा है एक इंटरेस्टिंग सीरीज जिसका नाम है कैंडी। Well, the series is going to unfold many secrets. लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर कलाकार और खासकर इस सीरीज कैंडी में पाइवटल रोल प्ले करने वाले एक्टर मनु ऋषि। Well, मनु ऋषि is going to give us more insights about the series और साथ ही शेयर करेंगे कुछ मजेदार किस्से। तो चलिए without further ado, let's get in conversation with मनु ऋषि। Welcome to Telechakkar and we are very honored to have a conversation with you, especially me, and have been looking at your work since long time and have been a fan of yours. So sir, would like to first of all know about your character, about the project Candy, a web series. By the trailer it seems very thrilling and it's very interesting, but then somewhere or the other your character is not really quite clearly नहीं बताया गया। So would like to know about your character. अच्छी अच्छी चीजों को छुपा के रखा जाता है ना कहानी में। कुछ अलग सा है मेरी लाइफ में। मैं बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ, मैंने कुछ फिल्म्स की हैं या कॉमेडी किया है हमेशा, तो इसमें मुझे कुछ अलग सा एक रोल मिला है। रुद्रकुंड एक फिक्टिशियस सा पहाड़ का एक छोटा सा कस्बा या शहर जो भी दिखाया है, उसका मैं एक MLA हूँ, एक पॉलिटिशियन हूँ। और सिर्फ इसलिए मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ क्योंकि मैं MLA या पॉलिटिशियन कर रहा हूँ। हाँ, मैं इसके अंदर कुछ खून भी कर रहा हूँ, कुछ चेहरे पर मेरे ब्लड भी दिखता है, तो और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये क्या होगा। और फिर उसको हम छुपा देते हैं प्रोमो में। इस कहानी के अंदर हम सबके पास एक सीक्रेट होता है, एक सीक्रेट मेरा भी है, मेरे कैरेक्टर का भी है, जो बहुत ही इमोशनली इन्वॉल्व करेगा ऑडियंस को वो पूरा ट्रैक। इससे ज्यादा मैं चाहूंगा कि लोग देखें बैठकर। 8 एपिसोड की ये सीरीज है, बहुत एंगेजिंग सीरीज है। तो मनु जी, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जैसे इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं कैरेक्टर, तो आप क्या चीज, क्या एलिमेंट देखते हैं कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले? सबसे पहले तो क्योंकि हमें अच्छा, एक एक्टर का अपना एक हंगर होता है, वो हमेशा अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल करना चाहता है, अच्छा जो उसको लगे और इम्पोर्टेंट जो स्क्रिप्ट में होता है, जो कॉन्टेंट में होता है, तो वो दोनों चीजें मैं भी देखता हूँ। और ओवरऑल की कौन लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उसको, थोड़ा कौन 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 को एक्टर्स हैं, मैं ये भी देखता हूँ। मैं पहले जो नहीं देखा करता था, अब मैं बहुत चीजें देखता हूँ कि सब लोगों का अपने अपने लेवल पे इन्वॉल्वमेंट कैसा है और कितना है। बहुत ज्यादा चॉइसेस नहीं रखते हैं, इसलिए सवाल जरूर उठाते हैं और कन्विंस होते हैं और काम कर लेते हैं। आई बिलीव इन नॉट ओनली कॉन्टेंट और अ कैरेक्टर, बट आई बिलीव इन अंडरस्टैंडिंग अ डायरेक्टर ऑल्सो। Not मेरे साथ पर्सनल, बट कॉन्टेंट के साथ कितना अंडरस्टैंडिंग है। सो आई सी ऑल दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो डायरेक्टर कितनी फ्रीडम देगा मुझे भी अपने आप को एज एन एक्टर इन्वॉल्व करने के लिए, तो वो भी होता है। तो इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली टू अंडरस्टैंड अ स्क्रिप्ट, कैरेक्टर, पीपल। और मुझे ये बताइए कि ये रोल जो आप कैंडी में प्ले करने वाले, ये जो वेब सीरीज आ रही है, ट्रेलर से ही मतलब नहीं पता चल रहा है आपका कैरेक्टर, जैसे आपने ऑलरेडी मेंशन किया, लेकिन आपको मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई कैरेक्टर चूज कर रहे हैं, तो आपने जैसे बताया कि आप बड़ी चीजों को नोटिस करते हैं, डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये कैरेक्टर डिफरेंट कैसे है जो आपने पहले जो भी जितने भी फिल्म में और जितने भी वेब सीरीज में अभी तक किए हैं? थोड़ा डार्क है, एक शेड है इसका अपना, जो मेरे हम सबके अंदर एक अच्छा और बुरा इंसान होता है, और जो अच्छा होता है उसका भी, उसके अंदर भी एक बुरा होता है, और जो बुरा होता है उसके अंदर भी एक अच्छा होता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट लिखा है बुरे और अच्छे का कंटेंट में, ये मेरे लिए बहुत एक्साइट करने वाला था, और उसने मुझे एक्साइट किया, और इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट है। और कहाँ मैंने कभी मतलब मैंने जितनी भी फिल्में की है, कहाँ उसमें मतलब एक बड़ी सी तलवार उठा के कुछ किया हो जो प्रोमो में है कि खून मेरे चेहरे पर आया हो, तो वो सिर्फ उतना ही नहीं है।
पर हाँ मतलब मुझे लगता है मेरे कैरेक्टर को उतना ही दिखाना चाहिए, बाकी तो सब समझाने की चीजें भी होती हैं। आई थिंक ये ऑडियंस भी बताएगी कि मैंने क्या अलग किया। और सर आपने जैसे कि जहाँ तक हमने अभी तक ट्रेलर में देखा है, आपकी कोई सीन्स विद रौनक रॉय और ऋचा चड्ढा नहीं देखे गए, लेकिन जाहिर तौर पर आपने उन लोगों के साथ काम किया है, काफी टैलेंटेड एक्टर्स में से एक हैं दोनों ही, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मेरा और ऋचा का एक आमना सामना जरूर है, अगर आपने ट्रेलर में देखा हो, जहां मैं उसको रुक कर बोलता हूँ आई एम प्राउड ऑफ यू, तो मेरा हाँ तो है, और रौनित साहब के साथ भी है मेरा काफी चीजें, लेकिन शो बनाना एक अलग क्राफ्ट है और ट्रेलर बनाना अपने में एक अलग क्राफ्ट है। जितने भी सवाल आपके उठ रहे हैं वही मकसद था ट्रेलर का। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन एक्टर्स के साथ काम करने का, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वो इसलिए भी क्योंकि हम सब अपनी अपनी एक जर्नी से आ रहे हैं। मैं और ऋचा हमने एक ओए लकी लकी ओए फिल्म में एक तरीके से शुरुआत की थी, मैं छोटे छोटे कैमियोज करता था, रोल्स करता था, और मुझे ओए लकी में एक बड़ा रोल मिला था, ऋचा की वो पहली फिल्म थी, तो हम एज अ पर्सन एज अ ह्यूमन भी एक दूसरे को जानते हैं, एज एन एक्टर भी एक दूसरे को जानते हैं। तो मैं सच बताऊँ तो कैरेक्टर को हमने अपने तरीके से मैंने और ऋचा ने अंडरस्टैंड किया था, और फिर हमारा एक्शन और रिएक्शन का एक प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि बहुत चीजें हाँ इस कैरेक्टर को लेकर नहीं अपनी जर्नी को लेकर भी बहुत हेल्पफुल होती है। और रौनित साहब के साथ मैंने पहली बार किया, वो बहुत बहुत गंभीर, वो मुझसे ज्यादा गंभीर एक्टर है और बहुत मेहनती एक्टर है, तो उनकी मेहनत और उनकी गंभीरता का बेनिफिट हमको भी मिल गया, यू नो, बिकॉज कुछ चीजें वो बहुत अच्छे से प्लान करके आते हैं। एंड आई एम एन एक्टर जो वेब सीरीज में अब अपने आप को इस तरीके के क्राफ्ट में डालना चाह रहा हूँ कि आई शुड कम प्रिपेयर्ड विद माई लाइन्स एंड माई कैरेक्टर, बट लिटिल वी कैन चेंज ऑल्सो, बिकॉज एवरी वन इज एक बिलीव होता है जिसमें कैरेक्टर जो होता है वो कभी इधर उधर जाए भी तो फिर डायरेक्टर अपने कन्विक्शन से ओवरऑल कॉन्टेंट को देखते हुए कंट्रोल कर लेता है। आई एंजॉयड वर्किंग विद रौनित सर, रौनित साहब के साथ वो जो एक खेल आया एक्टिंग का कि लेट्स डिस्कस एंड लेट्स डू समथिंग, यू नो, एंड आई हैव बोरोड एंथू फ्रॉम हिम, यू नो, आई एम अ लेजी एक्टर, बट मैंने इस शो में रौनित रॉय से बहुत एंथुसिज्म जो होता है एक एक वो बहुत बोरो किया है, मतलब ही बिलीव्स इन, यू नो, टेकिंग केयर ऑफ हिज कैरेक्टर। आई एम अ हार्ड वर्किंग एक्टर बट माई प्रोसेस इज डिफरेंट, बट मैंने उनसे बोरो किया है। और ऋचा तो परफेक्शनिस्ट है, उसका कैरेक्टर करने की का जो अपने में एक तरीका है ऋचा का, वो ये है कि वो प्रोसेस उसके चेहरे पर दिखती नहीं है, उसके चेहरे पर प्रिपरेशन नहीं दिखती है, वो इतना स्मूथ आ जाती है कैरेक्टर में लेकर, और बहुत थोड़ी सी ऋचा रह जाती है किसी भी कैरेक्टर में, विच इज अ वेरी। आप कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे जहाँ पर आपकी कोई बहस हुई होगी, कोई रोल को लेकर या कैरेक्टर को लेकर या फिर डायलॉग को लेकर के लिए लेके जानी होती है, तो बहस तो कोई नहीं हुई, डिस्कशंस वगैरह होती थी, और डिस्कशन में तो क्या होता है कि कभी कभी कन्विक्शन की एक अपनी एनर्जी होती है, पर किससे ना हमारे शूटिंग से अलग किससे शूटिंग से अलग किस्से हैं। एक बार क्या हुआ कि हम नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे, और एक शूटिंग का हमने प्लान किया हुआ था कि वो करेंगे, और अंदर कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी फिक्र हो रही थी कि स्नो नहीं है हमारे पास, और हमारा स्नो का एक इम्पोर्टेंस था फिल्म में, एक विजुअल इम्पोर्टेंस था, और सब लोग क्रिप कर रहे थे कि यार इतने महंगे महंगे गरम गरम कपड़े लेके आ गए हैं और स्नो नहीं आ रही है, एंड उस दिन शूटिंग हो रही थी कुछ और स्नो आई, और जिसकी स्नो की जरूरत नहीं थी, तो उस दिन हमने बड़े प्यार से अनाउंस किया कि हम जिस स्नो के लिए क्रिप कर रहे थे वो आ गई है, आज शूटिंग नहीं होगी, आज हम बर्फ में नहाते हैं और बर्फ एक दूसरे में फेंकते हैं, तो वो अपने में यू नो नो टू द शूट, उनके साथ में इन्वॉल्व होके जो वो एक पार्टी हुई थी ना स्नो में, और जो फोटोग्राफ खींची थी वो बहुत ही कमाल का था, मतलब खाना साथ में खाते थे सब लोग, ये भी बहुत अच्छी चीज होती थी। अक्सर बहुत कम जगह मैंने देखा है कि बहुत एक्टर्स होते हैं जो अपनी वैनिटी में खा रहे हैं, पर हम लोग सब बैठ के खाना। This is when the crew and members and the film also feels like family. तो मैंने पहली बार किसी शूट में
आने के बाद मैंने मिस किया था, मैं कभी मिस नहीं करता था, बट वो सब चीजें तो इतनी मिस की, क्या इन्वॉल्वमेंट था यार सब लोग, मतलब इट वॉज अ डिफिकल्ट शूट था, इट वॉज मतलब आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि बहुत डिफिकल्ट शूट किया है। So I would like to know what will be fans taking away from the series. हर एक series के आने से पहले उसके trailer को देखने के बाद एक ना एक perception बनता है audience का. मतलब भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि फिर fans किस तरह इस series को लेकर react करेंगे, what will be they taking away from it? कहानी का एक मकसद होता है कन्विंस करना ऑडियंस को अपनी दुनिया में लेके जाना, और वो दुनिया में लेके जो जाएगी ये कहानी, ये ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी, और फिर हम सब में एक जिज्ञासा रहती है यू नो कि सीक्रेट क्या है बॉस दूसरे की दुनिया में, यू नो हम सब जानना चाहते हैं कि क्या सीक्रेट है ये, और वो जो सीक्रेट और वो जो कॉन्टेंट को राइटर्स ने और डायरेक्टर ने इन्वॉल्व करके विद द हेल्प ऑफ एक्टर्स जो पेश करने का तरीका है और जो कहानी कहने का तरीका है वो आप लेकर जाएंगे, आज ऑडियंस को समझ आता है उनको, वो हमारा सबका इन्वॉल्वमेंट, हमारा हार्डवर्क, हमारा कन्विक्शन, वो सब लेके जाएंगे, आप देखना एक अच्छा शो है ये। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर हर कैरेक्टर को ऑडियंस अपना एक अलग आउटलुक देती है, अपना ओपिनियन, लेकिन कई बार प्यार भी मिलता है कैरेक्टर को, कई बार ऐसा भी होता है कि नेगेटिविटी भी होती है कहीं ना कहीं, तो आप इन सब चीजों से कैसे डील करते हैं? जी मेरा मैं आपको बहुत सच बताऊंगा कि मैं अपने काम को अपनी मेहनत से करता हूँ, ये जवाब मेरा सबसे ज्यादा सच्चा जवाब है, और मुझे अब तक ऑडियंस ने प्यार दिया है, मैं अपने किसी भी किरदार में मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं जीता हूँ किरदार को, नहीं, मैं अपने किरदार को करता हूँ और मैं अपने जैसी ऑडियंस तक पहुंचाता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा मकसद है। तो अब मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि मैंने इतना अच्छा काम किया है, लोगों को दिल में मैं रहा हूँ, कि अगर मुझसे थोड़ी सी गलती भी हो जाएगी तो वो मुझे माफ कर देंगे, मुझे वो क्योंकि मैं उनके जैसा ही हूँ, जो भावुक करता है या जो मुझे कन्विंस करता है स्क्रिप्ट में, मैं वही कम्युनिकेट करता हूँ। तो ऑडियंस को कभी भी, मैंने देखा है कि ऑडियंस में एक बहुत बहुत अच्छी तमीज ये भी होती है कि कंटेंट को देखकर एक्ट और रिएक्ट करती है वो भी, सो मेरे को इस बात की फिक्र नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेहनत करके आया हूँ, कोशिश करके आया हूँ, जो मुझे किरदार मिला है, जो रोल मिला है, उसको मैंने बखूबी डायरेक्टर के अंडर, राइटर्स के अंडर और वूट की क्रिएटिव टीम के अंडर आपसी सहमति के साथ किया है, ऑडियंस तक भी वो ईमानदारी पहुंचेगी, और इसीलिए हम लोग हैं कि हम ईमानदारी को वहां तक पहुंचाएं। जी सर, एक मैसेज फैंस के लिए अपनी तरफ से। मेरे फैंस जो हैं, और मैं तो आजकल एक ही बात बोलता हूं कि जितने फैंस हैं वो मेरा शो उनको भी दिखाओ जो मुझे नहीं जानते, और उनको बोलो कि देखें, और फिर वो उनको बोलो कि आगे भी देखें, आगे भी बोले, सो इट्स नॉट मार्केटिंग, इट्स वेरी इमोशनल थिंग फॉर मी, कि जितने फैंस बढ़ते रहेंगे वो अच्छा है, मैं इतना ही कहूंगा, बहुत ज्यादा चीजों से इफेक्ट ना हो अपनी लाइफ में, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉन्टेंट विच एक्टर्स और आर इंडस्ट्रीज क्रिएटिंग, बट इन रियल लाइफ ऑल्सो थोड़े इफेक्ट कम हो चीजों से, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं आप सब लोग हीरो बने और हम आपको लिखें और हम आपको लिखने के बाद आप तक पहुंचे और आपको खुशी मिले कि अरे ये तो मुझे लिखा है, क्योंकि आपको ही देना है हम लोगों को। थैंक यू सर, वी वुड वॉच इट डेफिनेटली, कैंडी इज गोइंग, वी बिलीव एंड वी विश कैंडी इज गोइंग टू बी अ बिग सक्सेस। Thank you very much. Thank you so much. Well, here we come to an end of our conversation. Thank you for watching the interview mere yani Arshi Siddiqui ke saath. Meanwhile, apne pasandeeda kalakaron aur sitaron se judi har jankari aur update paane ke liye bane rahein Tele Chakkar ke saath. Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.